बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा के शादी का मामला अब विवादित बन रहा है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर किसी एक्ट्रेस की शादी आखिर विवाद से क्यों घिरी हुई है। जानकारी के लिए बताते चलें कि पिछले 7 साल से सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल के साथ रिलेशनशिप में थी और 22 और 23 जून को जहीर इकबाल से सोनाक्षी सिन्हा शादी करेंगी और दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। वहीं अपने बॉयफ्रेंड से शादी की खबरों को लेकर सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा उठ रही है कि आखिर सोनाक्षी सिन्हा एक मुस्लिम कलाकार से शादी क्यों कर रही है। दूसरी तरफ अगर उनके पिता की बात करें तो बताते चलें कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को अध्यात्म और सांस्कृतिक व्यक्ति बताते हैं और अपने धर्म से जुड़े हुए दिखते हैं। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार में स्थित घर उसका नाम रामायण रखा गया है। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा के बाकी भाइयों के नाम भी रामायण के किरदार पर यानी कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न है। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटों के नाम भी लव और कुश रखे हैं। ऐसे में एक तरफ वो रामायण को बढ़ावा देते हैं वैसे ही ग्रंथों को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ उनकी बेटी एक मुसलमान से शादी करती है और यही यहाँ पर विवादित मुद्दा बनता है। दूसरी तरफ बताते चले कि इस बारे में जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि आखिर उनकी बेटी ऐसा कर रही है उस पे एक पिता की क्या प्रतिक्रिया है तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए खुश हूँ कि वो शादी कर रही है, यहाँ तक कि मेरी एक ही बेटी है, वो जो चाहे वो कर सकती है और वो बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो अपने हमसफर के रूप में किसका चुनाव करती है। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है, ट्रोलर्स ये सवाल कर रहे हैं कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा को इस शादी का पहले से पता था और शादी अगर जून में होनी थी तो इसका जिक्र पहले क्यों नहीं किया गया। इस चीज को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जहां लोकसभा 2024 में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टिकट मिला था, उस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा या फिर सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से कुछ भी शादी को लेकर नहीं कहा गया। यहां ये चीज कहा जा रहा है कि कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को उस चुनाव में हारने या वोटों पर इसका असर पड़ने का डर तो नहीं था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद से ही ये खबर अचानक से सुर्खियों में आने लगी कि सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड यानी कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करेंगी। वहीं अगर शादी की बात कर ले तो शादी में ज्यादा लोगों को सोनाक्षी सिन्हा इन्वाइट नहीं कर रही है, यहाँ तक कि अपने करीबी परिवार वालों और कुछ ही गिने चुने दोस्तों को ही इन्वाइट किया है। अगर जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के रिलेशनशिप पर नजर डाले तो जानकारी बता दें कि बॉलीवुड के सलमान खान ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया था। सूत्रों की माने तो जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान के द्वारा दी गई एक पार्टी में मिले थे और उनकी मुलाकात के बाद इन दोनों में दोस्ती देखी गई। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। इतना ही नहीं, दोनों ने एक साथ एक फिल्म में भी काम किया है जो कि 2022 में आई थी, डबल एक्सएल। इस फिल्म के दौरान भी दोनों में काफी नजदीकियां देखी गई। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि अब तक सोनाक्षी सिन्हा या इकबाल जहीर ने ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पर इस शादी पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है और कोई मुहर नहीं लगाई है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और सोनाक्षी सिन्हा का ये फैसला सही है या गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।